हम सभी को विलेंस पसंद है और पावरफुल विलेंस के बिना कहानियां अधूरी लगती हैं। लेकिन विलेन चाहे जितना भी पावरफुल हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर आता है, फिर चाहे वो खुद नल ही क्यों ना हो, जो कि एमसीयू यूनिवर्स से भी ओल्ड है। और अगर नल की बात करें तो वो पावर वाइज सेलेस्टियल्स को भी हरा चुका है। लेकिन तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नल अंदर से एक छोटी बच्ची के जैसा है। जब भी वो किसी से बात करता है, पहले उन्हें वो चाइल्ड कहकर बुलाता है और हर दूसरे या तीसरे डायलॉग में अपने लिए नए टाइटल्स बनाता रहता है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉइड, गॉड ऑफ एबेस। और यह सब कुछ उसके घमंड का नतीजा है, क्योंकि वो एमसीयू यूनिवर्स से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नल यह सब हवाबाजी में करता है। नल वो विलन है जिसने सेंट्री जैसे कैरेक्टर को, जिसे एमसीयू का सुपरमैन माना जाता है, उसे एक न्यूज़पेपर की तरह फाड़ चुका है। और डायलॉग्स मारने में तो वो थैनोस का भी बाप है। इसलिए आज हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो नल को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो नल को उसकी एग्जिस्टेंस से ही इरेज़ कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं गॉड टियर कैरेक्टर्स से। नंबर वन, लोकी, गॉड ऑफ स्टोरीज। एक फ्रॉस्ट जायंट से एस्गार्डियन प्रिंस बनने और फिर मल्टीवर्स का गॉड बनने तक एमसीयू के अंदर लोकी का इवोल्यूशन सबसे इंटरेस्टिंग माना जाता है। उसका सैक्रिफाइस उसकी न्यू गॉड लाइक पावर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है और एमसीयू मल्टीवर्स की सभी स्टोरीज उसके हाथों में है। और फ्यूचर में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो इन स्टोरीज को एक्टिवली कैसे शेप करेगा, लेकिन फिलहाल वो इनका मालिक है। और अब सवाल यह है कि लोकी की पावर्स कितनी है और क्या वो नल को हरा सकता है। तो देखो, लोकी की पावर्स अनडिनायबल है और प्रेजेंट में उन्हें क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नल खुद क्लिंटार से आजाद होकर डायरेक्ट लोकी के ऊपर अटैक करता है तो क्या होगा। तो देखो, लोकी अब एक ऐसा गॉड बन चुका है जिसने अपने हाथों में एंटायर मल्टीवर्स को पकड़ कर रखा है। तो लोकी जिस रियलिटी के अंदर नल है, उस रियलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो नल का लोकी के अगेंस्ट इस फाइट में एक सेकेंड भी सामना कर पाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर टू, गॉड ऑफ लाइट, एनिग्मा फोर्स। गॉड ऑफ लाइट यानी कि एनिग्मा फोर्स एमसीयू यूनिवर्स की एक गॉड टियर एंटिटी है, जिसे फीनिक्स फोर्स और बियॉन्डर्स के भी ऊपर स्केल किया जाता है। और जब नल दूसरी बार पृथ्वी पर आया था, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता दूं, जब नल पहली बार पृथ्वी पर आया था तब उसका और भी बुरा हाल हुआ था, और वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब नल दूसरी बार पृथ्वी पर आया था, उसका सामना हुआ था गॉड ऑफ लाइट से, जो कि उस वक्त एडी ब्रॉक से मर्ज हो चुकी थी। और यह वो मोमेंट था जब एडी ब्रॉक नल को सन तक ले गया था और नल को इंसिनरेट कर दिया था। नंबर थ्री, थॉर। थॉर एमसीयू का एक ऐसा गॉड है जो नल की नेक्रोसोर्ड को कई बार सर्वाइव कर चुका है। और यह सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि थॉर के अंदर एक हिडन पावर छुपी है, जिसे थॉर फोर्स कहते हैं। नेक्रोसोर्ड जो नल का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, यह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एमसीयू के बड़े से बड़े गॉड्स जैसे कि ज्यूस भी उसके सामने थर थर कांपते हैं। लेकिन थॉर ने ना सिर्फ इस डेडली सोर्ड के अटैक्स को सरवाइव किया है, बल्कि एक कहानी के अंदर उसने नेक्रोसोर्ड की जिंदा डार्कनेस को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था। और इस कहानी के अंदर थॉर गॉड द गॉड बुचर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और थॉर की वजह से ही नल आज क्लिंटार के अंदर कैद हो चुका है। नल जब पहली बार पृथ्वी पर आया था तो वो एक वाइकिंग विलेज के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन नल इस बात से बेखबर था कि थॉर इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। थॉर ने अपने बिलियंस ऑफ वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे नल और उसकी आर्मी के बीच का हाइव माइंड कनेक्शन टूट जाता है। और नल के चिल्ड्रन थॉर की लाइट से इन्फेक्ट होने के बाद में उसको अपने अंदर ट्रैप करना शुरू कर देते हैं, और इसी मोमेंट को क्लिंटार के नाम से जाना जाता है। नंबर फोर, सुपरमैन। वैसे तो सुपरमैन का नाम लेते ही ये फाइट खत्म हो जाती है, क्योंकि जिसकी हर एक सेल के अंदर सन की पावर हो और जो खुद एक लिविंग सोलर बैटरी हो और जो सिर्फ एक छींक से पूरा सोलर सिस्टम बर्बाद कर दे, उसके सामने नल क्या करेगा। सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो नल को सिर्फ सन के पास ले जाकर नहीं, बल्कि सन के अंदर ले जाकर खत्म कर सकता है। और अगर नल अपनी फुल माइट के साथ में अपनी इंटायर आर्मी को सुपरमैन के अगेंस्ट भेज देता है, तो सुपरमैन अपनी हीट विजन से उन सभी को तरबूज की तरह फाड़ देगा। तो ये वन साइडेड बैटल है। सुपरमैन की पावर और स्पीड के आगे नल की कोई चाल नहीं चल सकती। नंबर फाइव, शक्तिमान। शक्तिमान का ओरिजिन उसे बाकी सुपर हीरो से काफी अलग बनाता है, क्योंकि शक्तिमान ना तो कोई एलियन है और ना ही कोई मल्टीवर्सल बीइंग। उसका सफर एक इंसान से लेकर एक डिवाइन सुपर हीरो बनने तक है। शक्तिमान की पावर्स फाइव एलिमेंट्स पर बेस्ड हैं और वो इन्हें फुली कंट्रोल कर सकता है। तो जब तक नल के पास में पापमरी नहीं होगी, शक्तिमान उसे इन्ही पांच तत्वों में पूरी तरह से विलीन कर सकता है, क्योंकि नल की सबसे बड़ी वीकनेस है लाइट, और शक्तिमान के पास में वो सब कुछ है जो उसे खत्म कर सकता है।
जैसे कि हीट जनरेशन, लाइट मैनिपुलेशन और इनविजिबिलिटी तक, और शक्तिमान लाइट स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है। तो एक ऐसी बीइंग को जिसे तुम आते हुए भी नहीं देख सकते, उसे हराना इम्पॉसिबल होगा। तो अगर तुम्हें लगता है इस लिस्ट में किसी और एंटिटी को भी होना चाहिए, या फिर तुम इस लिस्ट से डिसएग्री करते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।